तो भाई बिग बॉस के घर के अंदर सलमान खान ने जब चाहत और रजत के प्यार की कहानी दिखाई तो दोस्तों रजत गुस्साया या फिर रजत शर्माया। जी हाँ भाई, सोशल मीडिया पे दो बातें ट्रेंड कर रही है कि चाहत के प्यार के बारे में जो सलमान खान ने इस बात को दिखाया, इस बात को खोला, तो आखिर रजत दलाल यहाँ पर शर्माया या फिर गुस्साया। अब देखिये, आप खुद भी गेस करो यार, सलमान जब ये बात बोलेंगे तो भाई रजत यहाँ पर गुस्सा सकता है या शर्मा सकता है, आप खुद से गेस कर सकते हो। ठीक है, तो भाई पूरा डिटेल से मैं बताता हूँ। जैसे कि दोस्तों आपने कल का एपिसोड देखा होगा, उसे एपिसोड में क्या हो रहा था कि जब चाहत पांडे जो जहां पे कपड़े रखे रहते हैं वहां पे देखो जो वॉशरूम है उसके बाहर जो बेड रहता है ना, उस बेड के ऊपर बैठी होती है और वहां पे जो है आपका रजत दलाल को बुलाती है, फिर उससे जो है मतलब इस हिसाब से इमोशनों की बात करती है कि प्लीज आप हमसे बात करो ना, आप हमसे ऐसा तो नहीं बोलोगे, आप मेरे सबको घर वालों सबके सामने डांटोगे तो नहीं, घर वालों के सामने आप हमसे प्यार से बात करो, आप मेरे पास बैठा करो, हमसे थोड़ा हक करो, वगैरह वगैरह बोल रही थी ना। ठीक है, तो ऐसा बोलती हुई जब नजर आई तो फाइनली जो है वहां पर टिश्यू पेपर रखा हुआ था, तो फिर रजत उसको बार बार बोला था कि भाई टिश्यू पेपर से आप पोछ लो। ठीक है, उसने पोछ लिया। ठीक है, उसके बाद में फिर रजत भी फाड़ फाड़ के उसको देने लगा कि लो पोछ लो। ठीक है, उसके बाद में फिर रजत बोलता है कि देखो आप बेफजूल में रोई हो, टिश्यू पेपर ही बात कर दिया। तो फिर वो चाहत बोलती है आपके लिए टिश्यू पेपर इंपॉर्टेंट है या मेरे आंसू? तो बोला कि आंसू अनमोल है, उनका कोई मोल ही नहीं है। ठीक है, इस तरीके से थोड़ी डिस्कस हुई। उसके बाद में फिर चाहत पांडे वहीं बैठ गई, फिर रजत दलाल पहुंच चला गया ट्रेनिंग के लिए। ठीक है, तो बाहर निकल गया। अच्छा, उन चीजों को देखते हुए, अच्छा पिछले स्टार्टिंग में कुछ दिन पहले इन दोनों के बीच में बहुत लड़ाइयां हो रही थी, फिर उसके बाद में अभी पिछले 3-4 दिन से दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। पसंद करने का मतलब कि दोस्ती बोल सकते हो या कुछ भी, पसंद करने लगे और दोनों एक दूसरे के बारे में अच्छी बातें बोलने लगे और जो है एक दूसरे को टाइम देने लगे, समझने लगे एक दूसरे को। ठीक है, अच्छा कहीं ना कहीं मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि चाहत पांडे गेम कर रही है, क्योंकि देखो भाई करण तो शिल्पा के साथ में है इधर। ठीक है, दिग्विजय का कोई वो नहीं है, वो किधर भी जा सकता है, कशिश भी उस पर तो आई हुई है, बाकी उसकी जो है एक उन्नति गर्लफ्रेंड ऑलरेडी बाहर है ही, विपिन की शादी हो गई वो भाव नहीं दे रहा किसी को, अविनाश ईसा के चक्कर में पड़ा हुआ है, बच्चा घर में यहाँ पर रजत ही। अच्छा, रजत के साथ में उसका बॉन्ड भी थोड़ा ठीक है, तो मुझे कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि चाहत यार कुछ ये सोच रही, गेम जैसा खेल रही है कि चाहत रजत को अपने प्यार में थोड़ा झांसा देने का फंसाने का, क्योंकि उसको पता है आधा सीजन निकल गया है, आधा सीजन रजत को मैं फांस लूं अगर लास्ट में ट्रॉफी में उठा सकती हूँ, उसके दिमाग में ये चीज चल रही है, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है। और रजत इन सब चीजों में फंसने वाला है नहीं, रजत बहुत साथी बंदा है आप जानते हो। ठीक है, तो वीकेंड का वार जब हुआ तो सलमान खान ने जो है रजत को बुलाया, रजत से पूछा कि रजत आपका क्या ख्याल है भाई, रात में बड़ा टिश्यू पेपर दे रहे थे, क्या बात है भाई, को आके पहुंच रहे थे, को गुल चल रहे कर रहे थे, कुछ तो है भाई, कुछ तो है, ऐसे तरीके से पूछते हैं। तो रजत बोलता है कि सर नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर चाहत से पूछते हैं तो चाहत भी हंस देती है, मुस्कुरा देती है, शर्मा जाती है और वो भी बोल देती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है सर, ऐसा कुछ नहीं है, बस हम लोग एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं, एक दूसरे को टाइम देने लगे हैं, एक दूसरे को समझने लगे हैं। लेकिन भाई एक चीज आपने कहावत सुनी होगी ना, एक लड़का और लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते। ठीक है, वो कहावत सही है, आज नहीं तो कल कर ले तो परसों ये अपना प्यार का ढंडस चालू करके और ये लोग कर देंगे, लेकिन कहीं ऐसा ना हो जब तक प्यार का ढंडस चालू करे तब तक बिग बॉस का शो ही खत्म हो जाए। ठीक है, तो कुछ भी होने के लिए हो सकता है, बाकी डोंट वरी, देखते हैं क्या होता है आगे, जैसे जैसे कहानी चलती जा रही है। फिलहाल इलेक्शन किसी का हुआ नहीं, लास्ट वीडियो में मैंने बता दिया है, और वाइल्ड कार्ड में से जो है हमारी आदित्य मिस्त्री जा चुकी हैं, राजेश सिसोदिया अंदर आ सकते हैं, सब कुछ वीडियो में बता चुका हूं ऑलरेडी, 2 से 3 वीडियो मॉर्निंग से आ चुकी है, 4थी वीडियो ये, इसके बाद और भी वीडियो आती जाएंगी, जो भी अपडेट है आपको मैं देता हूँ टाइम टू टाइम पे। सभी से हाथ जोड़ के मैं रिक्वेस्ट करता हूँ बार बार भाई, वीडियो मेरी अगर आप फेसबुक पे देख रहे हो पेज को फॉलो कर लीजिएगा, यूट्यूब पे देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन पर दबा लीजिएगा ताकि आपको सारी अपडेट टाइम टाइम पे मिलती रहे। ठीक है, बाकी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चलते मिलता है किसी दूसरी वीडियो, तब तक के लिए बाय।